चार दिनों के छठ महापर्व का आरंभ आज अंबिकापुर में भी हो गया और काफी कठिन माने जाने वाले इस व्रत में 36 घंटों तक के निर्जला व्रत रखा जाता है और पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आज से शुरू हुई छठ पूजा को लेकर समितियों ने व्यापक रूप से तैयारियां पूरी कर ली हैं। समिति ने इस बार शहर में प्लास्टिक मुक्त छठ पूजा मनाने की तैयारी की है। तालाबों नदियों में गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी शहर के विभिन्न जगहों पर पॉइंट बनाए गए हैं। प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगभग 300 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर रहा है। छठ पूजा की मान्यता सबसे पहले तो ये सूर्य देव के लिए होती है और ये खासकर मन्नतें मांगी जाती हैं। इसमें बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें सूर्य भगवान की अपार कृपा होती है। छठ की जो तैयारी की गई है उसमें एक तो क्या है कि जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है उस घाट पे, वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल लगा के ओपन केबल को हटा के लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। नदी की बहुत अच्छी सफाई हुई है,